एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में। हम बात करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया क्यों गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो रही थी और बाकी उसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में कि एसयूपी, जहां पर भी एसयूपी वर्ड लिखा हुआ मिले आपको प्रेजेंटेशन में, आप समझ जाइएगा मैं सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रही हूँ, राइट। तो प्रॉब्लम ऐसी क्या क्या थी जिनकी वजह से हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना पड़ा। फिर हम बात करेंगे कंबाइन तरीके से कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, हमारे लेवल पर हम इन सॉल्यूशंस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, वर्ड से ही आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। दे आर प्लास्टिक आइटम्स डिस्कार्डेड आफ्टर बीइंग यूज्ड ओनली वंस, एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप जिन प्लास्टिक्स को फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हीं को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पोजेबल प्लास्टिक, हम इन्हें डिस्पोजेबल प्लेट्स ग्लासेस के नाम से भी जानते हैं, आप जनरल लाइफ में अपने ये टर्म्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल हैं, देखिए डिस्पोजेबल ग्लासेस हो गए, आपके स्ट्रॉज हो गए प्लास्टिक के, इसके अलावा ईयरबड्स जो आप यूज करते हैं उसमें भी प्लास्टिक का ये वाला जो उसका डंडी वाला पार्ट होता है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से बना होता है। और इसके अलावा आपके फोक हो गए, स्पून्स हो गए, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपकी बॉटल्स हो गई जो आप एक बार वाटर बॉटल यूज करते हैं प्लास्टिक की, पानी पीकर उसको फेंक देते हैं, या फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, ये सभी के सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंडर आएंगी। ये जो इतना बड़ा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट इंडिया इज जनरेटिंग एवरी ईयर। अप्रोक्सीमेट 5.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड। इसमें से रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 9% है, लेस देन 9% आई विल से। और ये रिसाइकल सिंगल यूज प्लास्टिक या तो हो ही नहीं सकता, या तो अगर होता है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो काफी लो कॉस्ट होता है। अब ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है तो जो आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसको रिसाइकल करने में, अगर वो उसके कॉस्ट उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको रिसाइकल करने का कोई यूज नहीं है। ये सारा कचरा फिर जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है आपके लैंडफिल्स में, आपके लैंड के अंदर, और ये काफी काफी सालों तक आपके आसपास है, आपके ओशंस में जा रहा है, आपके एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक एंड द वर्ल्ड। हमने इंडिया के बारे में बात कर ली है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिंगल यूज प्लास्टिक का, और चाइना इंडिया से 6 times ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक को। इसके अलावा बांग्लादेश वॉज द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने बैन लगाया था प्लास्टिक बैग्स पर 2002 में। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसने बैन किया था प्लास्टिक को, तो वो थी बांग्लादेश इन द ईयर 2002। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, रादर मंथ्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है 1 July 2022, जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर। देखिए यहाँ पर ना सिर्फ सेलिंग पर बैन हुआ है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्ट पर भी बैन लगाया गया है। काफी सारे आइटम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे आपके प्लेट्स हो गए, डिस्पोजेबल कप्स हो गए, फोक हो गया, राइट, और जितने पैकेजिंग आइटम्स हैं जैसे रैपिंग पेपर, पैकिंग फिल्म्स हो गए, इन सब पर बैन लगाया गया है। फिर इससे पहले एक बैन ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो कि है सितंबर 2021 में। किस पर बैन किया था ये इंपॉर्टेंट है, 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पर हमने बैन लगाया था। इसके बाद हमने उसको इंक्रीज करके 120 माइक्रॉन, लेस देन 120 माइक्रॉन के जितने भी प्लास्टिक आइटम्स हैं, यानी कि प्लास्टिक पॉलिथीन, स्पेशली पॉलिथीन है, उस पर हमने बैन लगाया है दिसंबर 2022 से, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 2023 से। ये इस टाइम से लागू हो गया था 120 माइक्रोन वाले प्लास्टिक का बैन।
अभी हमने बात कर ली कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या और दुनिया में उसका क्या असर हो रहा है या फिर कहाँ कहाँ बैन लगाया जा चुका है। अब देखते हैं कि ये बैन हो क्यों रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज करने पर इश्यू क्या है, ऐसा हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस बैन को या फिर हम बैन कर क्यों रहे हैं बेसिकली। तो जो प्रॉब्लम है वो इसके प्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसके बनने के प्रोसेस से ही। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि जो आपका कोल है, राइट, कोल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गई, इनके एक्सट्रैक्शन से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कि काफी सारी एनर्जी कंज्यूम होती है। इसके बनने के पूरे ही प्रोसेस में काफी सारी एनर्जी कंज्यूम होती है और ये काफी सारा पोल्यूशन जेनरेट करता है, जिसमें कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती हैं, एमिट होती हैं। अब इस ग्रीन हाउस गैसेस के एमिट होने से आपको पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज होती है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज। तो एक छोटे से प्लास्टिक की वजह से, या फिर हम बोलें कि क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं और हम बहुत सारा प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कॉज हो रही है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो एनी लियोनार्ड, हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ग्रीन पीस यूएसए, वंस सेड देयर इज नो सच थिंग एज अवे। When we throw anything away, it must go somewhere. यानी कि अगर हम कुछ भी फेंक रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जा ही रहा है, ये कहा है एनी लियोनार्ड ने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है SUPs, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का डिस्पोजल। आपने जो अवे कह के फेंक दिया है वो जा कहाँ रहा है, वो डिस्पोज कहाँ हो रहा है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज लैंडफिल्स। ये लैंडफिल्स में आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स में कचरा फेंका जाता है, लेकर जाया जाता है और वो एक जगह पर डाल दिया जाता है। हीप्स, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं कचड़े के बहुत सारे एरियाज में। तो इनसे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कचड़ा है ये आपके ग्राउंड पर है और ये धीरे धीरे आपके मिट्टी में हल्का हल्का घुल रहा है, इसके केमिकल्स घुल रहे हैं और आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहे हैं, या फिर आप उसी मिट्टी में जिसमें ये केमिकल्स हैं उसी मिट्टी में आप पौधे उगा रहे हैं और आप उसी को खा रहे हैं, तो डिजीजेस जो हैं अल्टीमेटली आप तक पहुंच रही हैं। नेक्स्ट इज इंसरनेशन। इंसरनेशन का सिंपल सा अगर हम मतलब समझें तो आप जो कचरा जला देते हैं उसको समझिए, या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स में कचरा डाल के और उसको जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर निकल रही हैं तो उससे आपका क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम अगेन। थर्ड थिंग इज इट गोज इन टू द ओशियंस एंड इट थ्रेटन्स द मरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम। जो कचरा बच जाता है, या बहुत सारा ऐसा कचरा है जो कि ओशियंस में पहुंच ओशियंस तक पहुंच रहा है और वहां के जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनकी लाइफ थ्रेटन हो रही है और अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है। नेक्स्ट इज डिजीजेस एंड डेथ ऑफ दी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली मरीन ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स मिस्टेक सिंगल यूज प्लास्टिक फॉर फूड, वो उसे खा जाते हैं और खाने के बाद क्योंकि उन्हें प्लास्टिक खाने के बाद फुल महसूस होता है, इसीलिए वो और चीजें खाना बंद कर देते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे उनकी डिजीज कॉज होती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी कि लपेट जाते हैं इसी में कचड़े में, और जिसकी वजह से उन्हें इंजरी होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये सब कुछ जो अल्टीमेट जो कॉज करेगा वो है आपके इकोसिस्टम को हैम्पर करेगा। नेक्स्ट टर्म जो आप हाल फिलहाल काफी सुन रहे होंगे, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक्स। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये स्मॉलर प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, यानी कि बड़े आपने स्ट्रॉज देखे या कोई भी प्लास्टिक की आइटम देखा, वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम माइक्रो प्लास्टिक कह रहे हैं। माइक्रो यानी कि बहुत छोटा साइज और प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक, राइट। तो यहां से इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें, इनसे ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये हमारे फूड चेन में पाए जाने लगे हैं, और अगर ये फूड चेन में पाए जाने लगे हैं तो ये अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स तक भी पहुंचेंगे और हमारी हेल्थ को भी खतरा है। अभी हमने बात की कि मरीन लाइफ को प्रॉब्लम होगी, राइट, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी प्लास्टिक को खा लेते हैं, लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी प्लास्टिक को खा जाते हैं, राइट, तो उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी भी हेल्थ को प्रॉब्लम है। कैसे, माइक्रो प्लास्टिक जिस तरीके से हमारी फूड चेन में एंटर कर चुका है उस तरीके से। तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए इस तरीके का बैन गवर्नमेंट को करना पड़ा।
साइंस में हम कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो अब हम बात करेंगे सोल्यूशंस की कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया, राइट, हमें सेलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इंपोर्ट पे बैन कर दिया, बट हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढ सकते हैं और उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह आप स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज का यूज कर सकते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव्स ऑलमोस्ट आपको सब पता है, बट इनको डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स, इसकी जगह आप स्टील के या फिर पेपर के प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक फोक या नाइफ, इसकी जगह आप स्टेनलेस स्टील या फिर वुडन फोक और नाइफ का यूज कर सकते हैं, जिसका आप रीयूज कर सकते हैं, राइट, धोने के बाद। प्लास्टिक बैग्स आर अ बिग नो, इसकी जगह आप क्लोथ या फिर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट इज प्लास्टिक बॉटल्स, जिसका एक बार पानी पी के आप फेंक देते हैं, उसकी जगह परमानेंट एक कॉपर बॉटल या फिर स्टील की बॉटल रखिए। प्लास्टिक ईयरबड्स, ये जो बीच का हिस्सा है प्लास्टिक का, ये अब ऐसे वुडन ईयरबड्स आने शुरू हो गए हैं या फिर स्टील वाले भी ईयरबड्स आने शुरू हो गए हैं, तो उन पर इन्वेस्ट करिए। अब हमने ऑल्टरनेटिव्स की बात कर ली, अब ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं हम जिससे एनवायरमेंट की हेल्प हो। तो सबसे पहले एक क्लोथ बैग हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं मार्केट, तो आपके पास एक क्लोथ बैग होगा तो वो आप धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उसमें एक बॉटल रखना, राइट, एक कॉपर की या फिर स्टेनलेस स्टील की बॉटल रखना, ताकि आप बाहर से कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ना खरीदें पानी की। नेक्स्ट इज टू कीप फोक, स्पून एंड अ नाइफ इन योर बैग परमानेंटली, ताकि आप बाहर से कुछ भी खाएं तो आप अपना फोक, स्पून और नाइफ का यूज कर सकें और प्लास्टिक का यूज कम कर सके। देखिए प्लास्टिक की जगह अब आपको जो शॉपकीपर्स हैं वो वुडन स्पून्स देना शुरू करेंगे। वुडन स्पून्स वुड की बनी हुई हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो भी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आपको लेकर जाएगा। अल्टीमेटली फिर से हम वही क्लाइमेट चेंज और इन सब की बातें करेंगे। तो इसीलिए एक परमानेंट इस तरह का सोल्यूशन होना इज बेटर देन यूजिंग वुडन आइटम्स। नेक्स्ट इज टू कीप अ प्लेट, स्मॉल प्लेट एंड अ स्मॉल कप इन योर बैग, सो दैट यू यूज इट वेन एवर योर यू आर ईटिंग समथिंग आउटसाइड। आप शॉपकीपर को बोलेंगे देखिए अब ये सब चीजें करना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं और लोगों ने ये इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो दिया मिर्जा फॉर दिस, एंड शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन दिस कि किस तरीके से आप सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर बेसिकली प्लास्टिक के यूज को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें अगर आप अपने बैग में रखना शुरू कर दें और आप शॉपकीपर को मना करना शुरू कर दें कि भैया हमें नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, और आप मेरे को मेरी ही प्लेट में, कप में दे दीजिए, या फिर बॉटल आप ले जा रहे हैं तो आप मना कर सकते हैं उनको, फोक स्पून और नाइफ होगा आपके पास तो आप मना कर सकते हैं, क्लोथ बैग का यूज करना इज वेरी नेसेसरी। तो ये सारी चीजें करके आप भी एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर आइडिया प्लीज डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और लोगों को भी आइडियाज मिले कि वो किस तरीके से प्लास्टिक फ्री जो हमारा एनवायरमेंट है उसको रख सकते हैं, राइट। सो एज आई हैव सेड, योर एक्शन मैटर्स एंड चूज अ प्लास्टिक फ्री लाइफ। सिंपली अगर अवेयरनेस भी हम फैलाएं तो उससे भी काफी काम हमारा हो जाएगा। तो उसकी शुरुआत आप इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों हमारे लिए बुरा है और हम उसके ऑल्टरनेटिव्स किस तरीके से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट्स टू स्लाइडगो, जिसका कि टेम्पलेट यूज किया है इस पूरी प्रेजेंटेशन को बनाने में। एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। Thank you.